नमस्कार दोस्तों, जिनके पास A4 या A3 की लेजर CO2 मशीन है वो भी इस तरह के प्रोडक्ट अपनी लेजर मशीन से बना सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, मैंने उसमें बताया है इसमें कितना थिकनेस और कैसे ये बनेगा। जिनके पास छोटा A4 या A3 का मशीन है वो लोग उस मशीन से इस तरह से 3 पीस में कटिंग कर लें और वो भी उससे की होल्डर वगैरह बना सकते हैं। ऐसे ही इंग्रेविंग कर लें, क्योंकि छोटा मशीन इंग्रेविंग के लिए बहुत परफेक्ट होता है, वो इंग्रेविंग के लिए ही होता है। कटिंग उसमें ज़्यादा मोटा थिकनेस होता नहीं है, इसलिए देखिए मैंने भी आपको कम थिकनेस पर कटिंग करके दिखाया है। तो छोटी मशीन वाले A3 या A4 वाले भी की होल्डर बना सकते हैं। चलिए मैं बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा ये। पहले इसके ऊपर हम इसको पेस्ट कर लेंगे इस तरह से। ये कर लिया मैंने पेस्ट। ये मैं आपको इसलिए बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मेरे एक सब्सक्राइबर का व्हाट्सअप आया था कि सर हमारे पास CO2 A4 का A3 का मशीन है तो हम उसमें कैसे कटिंग करें या उसमें हम क्या बना सकते हैं। तो मैं उनके लिए ही दिखा रहा हूँ कि आप लोग छोटे मशीन में भी की होल्डर बना सकते हैं। अब इसके बाद इसको इसके ऊपर पेस्ट कर लें इस तरह से। ये तो मैंने एज अ सैंपल आपको करके दिखाया है, आप कुछ भी इनग्रेव कर सकते हैं, कोई भी थॉट्स वगैरह कुछ भी, एक्रेलिक पे भी बना सकते हैं इसको आप। चलो पहले मैं पेस्ट करूं, फिर मिलता हूं आपसे दोबारा। तो ये हो गया मेरा पेस्ट, आप देख सकते हैं 2 mm की थिकनेस है और हमने इसको 2, 2, 2, 4, 6 mm बना दिया इसको हमने पेस्ट करके। बिल्कुल देख लो आप, एज टू एज पेस्ट है। अब इस पर हमें की हुक लगाने हैं, ये इस तरह से आपका इस पर लग जाएंगे। ये देखिए मैंने लगा दिए सारे हुक अपने। मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये A4 A3 जिसके पास भी CO2 लेजर मशीन है वो भी इस तरह के प्रोडक्ट अपने लिए बना सकते हैं। बस उनकी जो थिकनेस कटिंग होगी वो 2 mm ही होगी MDF में, क्योंकि छोटी मशीन ज़्यादा थिकनेस पर कटिंग नहीं कर पाती है और ना ही वो बड़ा प्रोडक्ट बना सकते हैं, बट छोटे छोटे प्रोडक्ट वो अपने लिए बना सकते हैं। अब इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा गैप डाला है, आप फोटो प्रिंट करेंगे और इसके अंदर यहाँ से ऐसे डाल देंगे। ये देखिए आपका की होल्डर हो गया रेडी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइटम के साथ, कुछ ना कुछ नया ही लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों।